आज 18 मई को श्री गीता शोध संस्थान के द्वारा श्री गीता ज्ञान निधि नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और ये प्रदर्शनी 27 मई 2018 तक निरंतर यहाँ पर आयोजित रहेगी। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सौजन्य से वृंदावन शोध संस्थान में श्री गीता शोध संस्थान की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता के वैश्विक शोध अध्ययन प्रचार प्रसार और उसके विविध स्तरीय वृंदावन शोध संस्थान का प्रयास होगा कि इस गीता शोध पीठ के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विभिन्न संदर्भों पर अनुसंधान कार्य संपन्न। श्री गीता शोध संस्थान द्वारा आयोजित प्रदर्शनी सर्वप्रथम निर्विवाद रूप से इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है और योगी जी से इस गीता शोध संस्थान की स्थापना हेतु प्रयास करने के लिए उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने हमारे वृंदावन शोध संस्थान में आकर भी हमें वचन दिया था कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे और वो प्रयास उन्होंने किया। अनेक मीटिंग्स हुई और उसके बाद में वो प्रयास फलीभूत हुआ। आज गीता शोध संस्थान के रूप में ये गीता शोध पीठ वृंदावन शोध संस्थान में स्थापित हो चुकी है। और ये चित्र उस समय का है जब अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था। यहाँ पे ये श्लोक भी लिखा हुआ है, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थोतोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्थात आपके उपदेशों के कारण मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है और अब मैं अपने कर्तव्य में स्थित हूँ। मेरा संदेह दूर हो गया है और अब मैं वो कार्य करने को तैयार हूँ जो मुझे करना है, अर्थात युद्ध करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। ये कृष्ण का आशीर्वाद और कृष्ण को ये उठाते हुए ये अर्जुन अर्थात श्री कृष्ण को अपने ऊपर अपने आशीर्वाद के लिए स्वयं को बिल्कुल नीचे मान के अर्जुन ने उनको अपने ऊपर स्थापित किया है। ये उनकी एक जो भावना है उसका प्रतीक है। ये भावनात्मक चित्र बनाए हैं वेंकट राघवन। डॉक्टर रामदास गुप्त की हार्दिक अभिलाषा थी कि वृंदावन शोध संस्थान में श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन प्रचार प्रसार और अनुसंधान पर विशद कार्य और गतिविधियां प्रारंभ की जाएं। इसके निमित्त वर्ष 1993-94 में आपकी पारंपरिक श्री नारायण धर्मशाला में डॉक्टर गुप्त ने श्री गीता वाचनालय एवं पुस्तकालय का प्रारंभ भी किया था। कालांतर में यह संस्थान क्योंकि वर्ष 1984 में इस स्थान पर आया, अतः अब यह गीता शोध पीठ की स्थापना ऐसा लगता है कि आपके सपनों का प्रतिफल है। त्वमादिदेव पुरुषम पुराणम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण के लीला पुरुषोत्तम होने के स्थल अर्थात ब्रज से उनकी यात्रा का ये पड़ाव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और वहाँ पर अर्जुन को दिखाया गया ये विराट स्वरूप, ये गीता का प्रमुख जो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उत्पन्न करता है, एक भावचित्र उत्पन्न करता है, ये विराट स्वरूप है। इस विराट स्वरूप में श्री कृष्ण की सभी शक्तियों का और उनके प्रभुत्व का निदर्शन है, वर्णन है। वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित गीता प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप का प्रदर्शन करना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार और प्रसार के लिए आज से शताब्दियों पूर्व से लेकर अब तक न जाने कितने भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने, अनुवादकों ने और लेखकों ने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या अपने अपने अनुसार की।
यहाँ इस संस्थान में इस गीता प्रदर्शनी को आयोजित करवाने का श्रेय इस वृंदावन शोध संस्थान के संस्थापक डॉक्टर रामदास गुप्त जी की प्रेरणा तो रही ही, लेकिन उसके उपरांत अब वृंदावन शोध संस्थान के अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र दत्त जी पालीवाल का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और उनके योगदान को फलीभूत किया संस्थान के निदेशक श्री सतीश चंद्र दीक्षित ने, जिन्होंने यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, श्री आदित्य चौधरी के सहयोग से इस गीता प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया। इसमें हमारा प्रयास ये रहा है कि गीता से संबंधित अनेक स्वरूपों का, अनेक रूपों का निदर्शन प्रदर्शन हम इस संगोष्ठी के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से करें और उसमें पर्याप्त रूप में हम सफल भी इस कारण हुए हैं क्योंकि वृंदावन शोध संस्थान स्वयं में पांडुलिपियों का और मुद्रित ग्रंथों का एक संग्रहालय है, शोध केंद्र है, प्रकाशन केंद्र है। जब हमने वृंदावन शोध संस्थान के ग्रंथागार में अवलोकन किया, खोजा, देखा तो पाया कि वृंदावन शोध संस्थान के हस्तलिखित ग्रंथागार में जहाँ कागज़ पर, ताड़पत्र पर अनेक प्रकार के गीताओं के ग्रंथ हैं, पांडुलिपियाँ हैं, जिनमें अनेक भाषाओं में है, बंगला भाषा में है, तमिल में है, गुरुमुखी में है, मराठी में है, उसके उपरांत जब मुद्रित ग्रंथागार का अवलोकन किया गया तो वहाँ भी हमें अनेक मुद्रित ग्रंथ गीता के संबंध में प्राप्त हुए, जिसमें अनेक भाष्यकार और टीकाकारों के द्वारा लिखित गीताओं की सामग्री हमें प्राप्त हुई, जो कि वृंदावन शोध संस्थान के संग्रह में आज भी सुरक्षित है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और अनेक गणमान्य भक्त, आचार्य, रचनाकार, टीकाकार और व्याख्याकारों के चित्र और उनकी व्याख्याएं पुस्तकों के रूप में हमारे यहाँ सुरक्षित हैं। हमने उन्हें यहाँ पर संयोजित करने का ये प्रयास किया है। आशा है कि देश विदेश के विद्वान जो कि गीता तत्व पर अध्ययन अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं, उन्हें इस प्रदर्शनी से बहुत लाभ प्राप्त होगा।